अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मौसम बदल रहा है, उम्मीद है कि आप अपनी स्किन का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपनी स्किन के रूटीन में सबसे पहले मैं हैंड्स को वॉश कर रही हूँ। निविया हैंड वॉश यूज़ किया जो कि आपके हाथों को बहुत सॉफ्ट रखता है। और हाथ धोना ज़रूरी है ताकि कोई भी बैक्टीरिया और जर्म्स आप अपने फेस पर ट्रांसफ़र ना करें, जिससे एक्नी हो सकती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉशिंग योर फेस। मैं प्लश नेचुरल का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। मेरी ऑयली स्किन है, सो जेल बेस्ड फेस वॉश ठीक रहते हैं। इसके बाद वीकली स्किन के रूटीन है, तो ये ट्रूली कोमल का ब्राइटनिंग स्क्रब मैंने लिया है। ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तो आपने थोड़ा सा अपने हाथ पे ले लें। और इस वक्त फेस वॉश मेरे फेस पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप इस पाउडर्ड स्क्रब को उस फेस वॉश में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। ये है को नेचुरल का लिप स्क्रब, और आपकी लिप्स की डेड स्किन को रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसकी एक तो बहुत माइल्ड है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। सो आप ये वीकली करें ताकि आपके जो सर्दियों में लिप्स चैप हो जाते हैं, ड्राई स्किन होकर उतरना शुरू हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रेवलर का नाइसिनमाइड सीरम, और ये बहुत अच्छा सीरम है। इसका सेपरेट रिव्यू भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन नाइसिनमाइड एज अ होल आपके पोर्स को टाइटन करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, फाइन लाइन्स को रिड्यूस करता है। इसमें जिंक भी है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्कारनिल जेल। ये मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड की है, और ये एक्नी स्कार्स के लिए और हाइपर पिगमेंटेड एरियाज़ के लिए बहुत अच्छी है। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्किन को एकदम फर्म कर देती है, तो मुझे ये बहुत पसंद आ रही है। फिर है जी डीप हाइड्रेशन के लिए, ये ट्रूली कोमल का हाइलुरोनिक एसिड वाला मॉइस्चराइज़र है। पूरी रात को प्रॉपरली आप इसको मसाज करें ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। और हाइलुरोनिक एसिड अगेन स्किन की फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए और ओवरऑल हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। जस्ट लव दिस मॉइस्चराइज़र। नेक्स्ट है आई थेरेपी रिस्टोरेटिव आई बाम है ऑरा क्राफ्ट की। और आई एरिया को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, सबसे पहले रिंकल्स यहाँ आते हैं। इस आई बाम को हम अपने रिंग फिंगर से आइज़ के अराउंड सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद जेंटली टैप करेंगे। लास्ट स्टेप है लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना। इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ निविया की लिप बाम, और इलेक्ट्रिक टूथब्रश की मैंने बात की थी, तो यूज़ करते करते उसकी बैटरी लो हो गई है। जस्ट पुटिंग इट बैक टू द चार्जर। इसके साथ एक पोर्टेबल चार्जर आता है, और एक बार चार्ज होने के बाद ये काफ़ी दिन तक चलता रहता है। नाउ जस्ट टू फील गुड, एक फ्लोरल मिस्ट मैं अप्लाई करूँगी, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू एंड ऑफ माई रूटीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।